हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को एक्सावेटर ट्रक के बारे में जानकारियाँ दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। ये जो मशीन आप लोग देख रहे हैं ये कैट कंपनी का है, जो 320 है। इसी का ट्रक के बारे में जानकारियाँ दूंगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा चेन का जो पोर्शन है इसका पूरा का पूरा ट्रैक बोलते हैं ना। और ये जो सबसे लंबा वाला पोर्शन आप लोग देख रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं चेचिस है, जो ट्रैक चेचिस इसे बोलते हैं, ट्रैक चेचिस, इसको ट्रैक चेचिस बोलते हैं। इसके ऊपर ये जो देख रहे हैं इसको टॉप रोलर, कैरियर रोलर भी बोलते हैं, और नीचे वाला को बॉटम रोलर बोलते हैं सबको। ये देख रहे हैं बॉटम रोलर हो गया, बॉटम रोलर ये सब है। उसके बाद वो जो देख रहे हैं ये इसको गार्ड बोलते हैं इसे, ये रोलर गार्ड हो गया। ये जो देख रहे हैं इसको ट्रैक मोटर बोलते हैं, और ट्रैक मोटर में ये वाला बोल्ट जो देख रहे हैं लंकी बोल्ट, ये फील और ड्रेन करने के लिए होता है। ये देखिए ये हो गया, नीचे आ जाएगा तो ड्रेन के लिए हो जाएगा, और साइड में इसी से साइड में रख इसको फिल करते हैं इससे, जो इसमें ट्रैक ऑयल होता है सी ऑयल, इसको उसमें डालते हैं इसमें। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप लोग ये जो हो गया इसका स्पॉकेट, चेन स्पॉकेट बोलते हैं इसे। और ये जो देख रहे हैं आप लोग ये चेन ऑफ पॉकेट टीथ बोलते हैं इसको। उसके बाद और ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको चेन प्लेट बोलते हैं, या ट्रैक शू भी बोलते हैं इसको, ट्रैक शू या चेन प्लेट। टोटल इसमें 48 ट्रैक शू है, और एक चेन प्लेट में 4 नट बोल्ट होता है। ऊपर जो देख रहे हैं ये बोल्ट है, और नीचे इसका नट लगा हुआ है नीचे में। चेन प्लेट मशीन के साइज पर निर्भर करता है, जितना बड़ा मशीन उतना अधिक चेन प्लेट होता है। इसमें 48 प्लेट हैं, और एक चेन प्लेट में 4 नट बोल्ट होता है। इसमें 48 चेन प्लेट हैं, 48 को 4 से इंटू करेंगे तो 192, यानी कि इसमें 192 नट बोल्ट हैं। जिस ट्रैक में जितना चेन प्लेट होता है उसमें उतना ही लिंक, बुश और पिन रहता है, और इसी पिन में से एक मास्टर पिन होता है जिससे चेन को खोल के फिर से लगाया जा सके। देख सकते हैं ये जो ऊपर में आप लोग को दिख रहा है ये बोल्ट हो गया, और अंदर जो ये दिख रहा है ये नट हो गया, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला इसको लिंक बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं इसको पिन बोलते हैं, और इसके अंदर जो होता है कवर होता है, पिन के ऊपर में जो कवर होता है उसको बुश बोलते हैं। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप लोग इसे, ये जो देख रहे हैं गोल वाला, इसको फ्रंट एडलर बोलते हैं, और जो एडलर को इस तरह से पकड़ के रखता है दोनों साइड से उसे यॉक बोलते हैं। और उसके अंदर जो स्प्रिंग वाला पोर्शन होता है उसे ट्रैक एडजस्टर भी बोलते हैं, या ट्रैक टेंशनर भी बोलते हैं। ये जो इसको देख रहे हैं ये चेन प्लेट का बहुत सारा नाम, इसे चेन प्लेट भी बोलते हैं, ट्रैक शू भी बोलते हैं, ग्रुप पैड भी बोलते हैं, या फिर ट्रैक पैड भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो ट्रैक एडजस्टर जिसे ट्रैक टेंशनर भी बोलते हैं उसका बहुत सारा अंदर में पार्ट्स है, जैसे स्प्रिंग वाला जो पोर्शन होता है उसे ट्रैक एडजस्टर, ट्रैक टेंशनर बोलते हैं। उसमें बहुत अलग अलग पार्ट्स होता है, जैसे उसका स्प्रिंग होता है, पिस्टन होता है, ग्रीस मारने के लिए निम्पुल एडाप्टर होता है,
ट्रैक टेंशनर में स्प्रिंग जो लगा होता है उस स्प्रिंग को रिकॉइल स्प्रिंग बोलते हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं इसे कैरियर रोलर या टॉप रोलर भी बोलते हैं। और इसमें जो यहाँ पे आप लोग एलंकी बोल्ट देख रहे होंगे, इस ये जो एलंकी बोल्ट है इसमें एलंकी बोल्ट को ये 8 नंबर का एलंकी से खुल जाएगा। इसके अंदर लुब्रिकेंट डाला जाता है, ग्रीस या फिर ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं ताकि ये फ्री रहे। ये जो ट्रैक आप लोग देख रहे हैं ये कैट 320 का है। इसमें नीचे टोटल जो रोलर देख रहे हैं नीचे 7 रोलर है जिसको बॉटम रोलर बोलते हैं, और एक रोलर में 4 बोल्ट होता है। एक रोलर को ये सपोर्टिंग जो बोल्ट है टोटल 4 होता है, तो 7 रोलर है तो सच्चों के 28 मतलब 28 बोल्ट हो गया। और ऊपर जो कैरियर रोलर देख रहे हैं इसको बॉटम रोलर बोलते हैं इसको, तो 2 होता है। कैट 320 का बोल रहा हूँ, इसमें 2 रोलर ऊपर में और नीचे 7, टोटल 9 रोलर हो गया। तो ऊपर में इसको सपोर्टिंग बोल्ट जो होता है इसका रोलर का 2 बोल्ट होता है उसमें, तो इसमें 2 इसमें 2 इसमें 4 बोल्ट हो गया ऊपर वाला। जो देख रहे हैं ट्रैक का 1 साइड है, इसका अपोजिट साइड जो है सेम होता है, दोनों साइड सेम होता है, एक ही जैसा रहता है ट्रैक।